ये कहानी है इस बॉक्स की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ अर्सा पहले मैंने और अली ने मिलकर ये चैनल क्रिएट किया था। वो इसलिए नहीं कि हमें फेमस होना था, लेकिन इसलिए कि हम दोनों सेम पैशन रखते थे और वो है कंटेंट क्रिएशन। तो एक व्हाट्सएप कॉल और चाय का कप लेटर कैजुअल मुल्तानीज क्रिएट हुआ और हमने कार्स की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन कुछ अरसे बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि मोबाइल से वीडियोस बनाना आसान तो है बट क्वालिटी नहीं आती, और यूं हमने सोचा कि एक DSLR होना चाहिए। अब जब DSLR की बात करते हैं तो मुल्तान में एज सच कोई DSLR मार्केट मौजूद नहीं है, तो मैंने सोचा कि लाहौर की तरफ निकला जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आया हुआ हूँ एक और ट्रैवल ब्लॉग लेकर आपके साथ, और मैं खड़ा हूँ इस टाइम लाहौर एम्पोरियम मॉल में, और ये आप मॉल चेक करें। बेसिकली मैं यहाँ पर आया था एक DSLR परचेस करने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पर DSLR नहीं मिल रहे। तो अब बेसिकली मुझे जाना पड़ेगा निस्बत रोड, जो कि DSLR मार्केट के लिए मशहूर है, और वहाँ पर जाकर परचेस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, मुझे लैपटॉप भी लेना था, जो कि यहाँ पर मैंने देखे हैं लैपटॉप, लेकिन मुझे इतने मज़े के नहीं लगे, तो अब वो भी मुझे कहीं और जाकर परचेस करने पड़ेंगे। सो गाइज, ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह मैंने ये कैमरा परचेस किया, और अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। और अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको इसका मॉडल बताता चलूँ कि ये है कैनन का 200D। कोई हाई फाई कैमरा नहीं है, बेसिक एंट्री लेवल DSLR है। और चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो बॉक्स ओपन करते साथ ही इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर हैं, और ये है इसका वारंटी कार्ड, और उसके बाद इसमें इसका चार्जर है, और ये इसकी चार्जिंग केबल। मज़ीद अंदर इसकी जो मुझे चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो है ये इसकी बैटरी, एक अदद कैमरा स्ट्रैप जिस पे कैनन और EOS का लोगो है, और बॉक्स के अंदर है इसका किट लेंस। ये कैमरा जो है वो वाइट कलर में भी आता है, लेकिन इसमें किट लेंस के साथ जो है ये ब्लैक है। किट लेंस 18-55, और एंड पर हमें देखने को मिल रही है ये कैमरे की बॉडी। तो ये बॉक्स में रख देता हूँ साइड पर, तो हम इसको खोल कर देखते हैं। पैकेजिंग बड़ी अच्छी है इसकी। तो ये है कैनन 200D की बॉडी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये मैंने कैमरा इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मोस्टली बेसिक एंट्री लेवल के लिए ये कैमरा बहुत अच्छा है, और व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा कैमरा है ये, क्योंकि इसकी जो है सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ये स्क्रीन इसकी फ्लिप होकर फ्रंट पे आ जाती है, और आप अगर इस तरह व्लॉगिंग करना चाहें तो आपको अपनी फेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसको हम रेडी करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा नया कैमरा कैनन 200D, इससे हम बड़ी मज़े की वीडियोज़ भी बनाएंगे। और ये मैंने गलती से तस्वीर ले ली है और मुझे पता नहीं चला।
सो इसको रखते हैं हम साइड पर। आई होप कि आपने ये अनबॉक्सिंग इन्जॉय की होगी और छोटा सा ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे और मे बी इस कैमरे की फ़ोटोग्राफी की कोई वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ मैं, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अगर आप देखें कैजुअल मुल्तानीज के, तो वहाँ पर कुछ हमने फ़ोटोज़ भी अपलोड की हुई हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।